ग्राम चौराई में फिर लौटा कोनू नेशनल पार्क का ओवांछिता। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। खबर थाना बैराड़ क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम चौराई से है, जहां पर आज रविवार की सुबह करीब 8 बजे कोनू नेशनल पार्क से भागकर ओवांछिता ग्राम चौराई में आ पहुंचा है, जिसके चलते पूरे ग्रामीण क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। यहां पर आपको बता दें कि ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम मौके पर मुस्तैदी से ओवांछिता की निगरानी में लगी हुई है। वन विभाग के वन रक्षक आलोक प्रजापति ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे ग्राम जौराई से उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि एक चीता उनके खेतों में घूम रहा है, जिसके बाद वन विभाग के द्वारा चीतों के गले पर लगे ट्रैकिंग कॉलर से चीते की लोकेशन ट्रेस कर जौराई गाँव पहुंची और चीते को वापस ले जाने के प्रयासों में लगी। वन विभाग की टीम ने मौजूद वन रक्षक आलोक प्रजापति, वन परिक्षेत्र सहायक सुघर सिंह बजौरिया, वन रक्षक गब्बर सिंह बजौरिया, ट्रैकिंग गार्ड सुरेंद्र यादव और वाहन चालक हरिओम परिहार मौके पर मौजूद हैं और चीते को पकड़ने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बैरान से धर्मेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। आपके जौराई गांव में चीता आया, उसकी सूचना आपको कैसे मिली? सर हम ट्यूबवेल पे सो रहे थे तो सुबह ही हम उठे तो हमने देखा कि पास में रोड पे चीता घूम रहा है, तो फिर वहां से हमने बाग के कमरा पे चढ़ के और फोन लगाया तुरंत नागेदार फॉरेस्ट के लिए, तो फिर वहां से वो निकल के और कुन्नी में बैठा हुआ है अभी। तो फॉरेस्ट वाले कहाँ पर है अभी? अभी यही ट्यूबवेल पे ही हंगे, उसकी चौकसी कर रहे हैं, रखवाई कर रहे हैं। इसको कितना टाइम हो गया है यहाँ पे? सुबह ही 7:30 बजे की बात है। जब से एक ही जगह बैठा है? एक ही जगह बैठा है, ना कहीं वो जा रहा है, वहीं बैठ जाता है, उठ जाता है। तो जोराई गांव में चीता जो खेत में दिखा है, तो उसको पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम क्या तैयारी कर रही है? वन विभाग हर संभव चीता की सुरक्षा के लिए हर समय पर प्रयास कर रही है। इसका मूवमेंट जो इधर को बना रहता है वो बढ़ रहा है, तो सभी अधिकारियों को सूचना है और अधिकारी इस संबंध में बहुत ही मतलब गंभीर और बहुत सूझबूझ के साथ निर्णय ले रहा है और इसको जंगल के अंदर ले जाने का प्रयास करेंगे। तो गांव में चीता आने की सूचना आपको किस प्रकार से मिली थी? हम लोग इसके पीछे इसके जो रेडियो कॉलर है इसके इसकी ट्रैकिंग कर रहे हैं और उसी के आधार पर जो जहाँ चलता है इसके पीछे पीछे जाते हैं। धन्यवाद।